हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो वही, अभी है दोपहर का टाइम। सुबह के जितने भी काम होते हैं ना, वो सारा कुछ कर लिया था और आज मुझे एक काम करना था जो बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो ये है एक मेजपोश का कपड़ा, जिसकी मैंने अपना जो ये मेरी टेबल है ना, इसके साइज़ का कट कर लिया है और इसको ना चारों तरफ से फोल्ड कर रही हूँ। और ये मैं बहुत टाइम पहले लेके आई थी, जब मैं यहाँ पे मेरठ में आई थी ना, तभी की बात है। लेकिन ये अभी तक ऐसे ही रखा हुआ था। ये काफ़ी बड़ा होता है, जैसे बड़ी टेबल होती है ना, उसके साइज़ का है। लेकिन जो ये मेरी प्लास्टिक की जो आपको पीछे साइड में मेरे दिख रही होगी, तो ये छोटी है, तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता था इस पर। तो मैंने क्या किया, जो इसका जो बीच का जो हिस्सा है ना, जो डिज़ाइन था इस पर कपड़े पर, तो सिर्फ मैंने वही निकाल लिया और इसको अच्छे से यहाँ पर फोल्ड कर लिया पूरे अच्छे फिनिशिंग के साथ। और जो इसका साइड का कपड़ा है ना, उसको भी मतलब जॉइंट करके जो दूसरा स्टडी टेबल है ना, उसके लिए मतलब बनाऊंगी। तो यहाँ पे ये बन गया है, मैं आपको दिखाती हूँ अब कैसा लग रहा है। देखिए ये तो मैंने ना, देखिए बहुत ही प्यारा, मतलब एकदम वाइट कलर है और बहुत ही सुंदर मतलब लग रहा है देखने में। तो और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आया था, ये सिर्फ 50 रुपये का आया था। तो मैंने ना इसको इसके साइड से जो चारों तरफ जो कपड़ा होता है ना, वो कट कर लिया है। और ये वाला है देखो, वो तो इसको भी मतलब इस तरह से जोड़ा है कि ताकि ये जो डिज़ाइन है ना, ये बीच में आ जाए। तो वहाँ पे तो डाल के आ गई हूँ उस पर टेबल पे, और अब इस पर डाल के, इसके लिए ही मैंने बनाया था। देखती हूँ कैसा लगता है, छोटा पड़ेगा तो नहीं डाल लूँगी, अगर मतलब ठीक ठाक आया तो फिर इसमें डाल दूँगी, नहीं तो फिर एक और लेके आऊँगी और जिसके कुशन के ना कवर बना लूँगी इस कपड़े के, तो काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो देखिए ये इतना मतलब पूरा पूरा ही आ रहा है, ज़्यादा है मतलब जैसे ना थोड़ा बहुत नीचे लटकने के लिए भी चाहिए, तो वो नहीं हो पा रहा था। पर फिलहाल मैंने इसको ना यहाँ पे लगा दिया है, देखते हैं कैसा मतलब देखने में अच्छा लग रहा है ना। बीच में जो ये देखो, ये डिज़ाइन था ना, ये मैंने जोड़ के ये बीच में ले दिया है, तो ठीक ठाक लग रहा है। और वाइट कलर के पर्दे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सच्ची। तो टाइम हो गया 1:10 और मैंने यहाँ से अपनी मशीन को उठा दिया है। इसको ना इसी रूम में रखती हूँ, तो बस उसको करने के बाद आ गई हूँ यहाँ पे किचन में, क्योंकि बनाना है दोपहर का खाना। 2 बजे बच्चे आ जाते हैं, 2:15 बजे तक बस आ जाती है उनकी, तो इतने में उनके लिए खाना बना देती हूँ। और तो आज मैं बना रही हूँ बिरयानी, वेज बिरयानी। तो उसके लिए मैंने ना चावल को मतलब पहले उबाल लूँगी अलग से, जैसे बनती है ना बिरयानी उसके लिए उबालते हैं वही चीज़। और ये सुबह के बर्तन धुले हुए रखे थे, अभी सूख गए हैं अच्छे से, तो इनको लगा लूँगी इन्हीं की जगह पे। तो जो छोटे बर्तन हैं वो यहीं पे रैक में लगा देती हूँ, और जो बड़े बड़े बर्तन हैं वो नीचे, जो मैंने एक बड़ी सी टोकरी रखी हुई है देखिए ये पिंक कलर की, तो इसमें रखने पड़ते हैं यहाँ पर जितने भी बड़े बर्तन हैं सारे। और बस कुकर के ढक्कन यहाँ पे टांग देती हूँ, इस तरीके से अपनी किचन को ना थोड़ा सा मतलब रखती हूँ मैनेज करके। तो यहाँ पे ना मैंने जो चावल का पानी था वो भी बहुत जल्दी गर्म हो गया है, जब तक कि मैंने ना ये काम किया, जैसे बर्तन लगाए और सब्जी निकाल ली बनाने मतलब इसमें डालने के लिए, तो तब तक मेरे यहाँ पे चावल के जो पानी रखा हुआ था उसमें उबाल आ गया था, मैंने चावल छोड़ दिए हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है ये सारी सब्जी। सुबह बच्चों को टिफ़िन में ना सब आलू शिमला मिर्च की सब्जी दी थी, जिसमें से आधी ही बनाई थी, क्योंकि काफ़ी बड़ा साइज़ था, पूरा एक मतलब पहिया की थी ये शिमला मिर्च। तो मैंने ना इसमें से आधी ही बनाई थी और आधी रख ली थी, तो ये आधी अब आ जाएगी काम। तो यहाँ पे काट लिया है हरी मिर्च, और क्या क्या लिया है मैंने दिखा तो दिया, बताया है नहीं, सोयाबीन है, शिमला मिर्च है, आलू है, जितनी भी सब्जी थी ना थोड़ी थोड़ी वो सारी ले ली है, एक छोटा सा टमाटर लिया है और नींबू लिया है, और टमाटो सॉस भी डालने की सोच रही थी, फिर मैंने डाला नहीं, क्यों, क्योंकि बच्चे फिर भी ऊपर से डाल के खाते हैं, तो मैंने सोचा कि छोड़ इसमें सब्ज़ी में मतलब उसमें, सॉरी जो बिरयानी बनाऊँगी ना उसमें अंदर नहीं डालूँगी। तो सारी सब्जी मैंने काट ली है और एक आलू लिया था। आलू तो मुझे डालने ही पड़ते हैं, क्योंकि चावल बिना मतलब अगर इस तरह की चीज़ बनाऊँ ना, तो बच्चे बिना आलू के खाते ही नहीं है। तो यहाँ पे लगभग मेरे जो ये चावल हैं ये भी अच्छे से पक गए थे, और मैंने यहाँ पे जब तक ये पक रहे हैं ना, तो यहाँ पे सारा सामान निकाल के रख लिया है। और साथ में इसमें डालूँगी थोड़ा सा गोला, सूखा गोला होता है ना जो, वो काट के, थोड़ी सी किशमिश, थोड़ी सी मूँगफली, जिससे ना टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो
थोड़ा सा ही काटूंगी, छोटे छोटे से पीस कर लूंगी। और बस यहाँ पे देखिए मैं चेक कर रही थी कि चावल पक गए हैं क्या, तो बस इनको कर लूंगी और भाई फिर जाऊंगी बच्चों को स्कूल से लेने के लिए। सॉरी स्कूल नहीं क्या बोल रही हूँ, मतलब यहाँ पे बस आती है पास में ही, थोड़ा जाना पड़ता है पीछे गली के बाहर, तो वहाँ ही पे आते हैं तो वहाँ से लेके आना पड़ता है उन दोनों को। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना जो इसका पानी निकाला है चावलों का वो एक कटोरी में करके रख लिया है, ताकि अगर ज़रूरत पड़ी मुझे जैसे सब्ज़ी अभी मतलब पकाने के लिए, तो यही पानी डाल लूँगी चावलों वाला ही। और आज इसको बनाऊँगी देसी घी में, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना इसमें घी कम रह रहा था तो मैं दूसरा लेके आ गई हूँ, और बस इसको कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई में डाल लिया है घी, फिर इसमें डालेंगे जीरा और ये है मूंगफली, तो किशमिश, और ड्राई फ्रूट में क्या हो रहा है किशमिश है और मूंगफली है और गोला, ये तीन चीज़ डालेंगे। तो देसी घी में थोड़ा सा जीरा डाल के और थोड़े से हींग का ही तड़का लगाऊंगी, प्याज वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, कान्हा जी को भी भोग लगाना है ना इसलिए। तो बस मैंने यहाँ पे हींग और जीरा डाल लिया है, साथ में कड़ी पत्तियाँ हैं, कड़ी पत्ता और लंबी लंबी हरी मिर्च कट करी थी, बिल्कुल बारीक नहीं की थी, फिर ना बच्चे खाते नहीं हैं, अगर थोड़ी सी भी तीखी हो जाए मतलब खाने में तीखापन आए। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा कुछ डाल के अच्छे से इसको फ्राई कर लिया, और पता है मैंने सिर्फ एक गलती कर दी, मैंने ना यहाँ पे ये जो किशमिश थी ना वो भी साथ में डाल दी, और फिर ना वो थोड़ी सी काली काली हो गई थी, किशमिश को मुझे बाद में डालना था। और फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है सोयाबीन, और साथ में सारी सब्जी भी इकट्ठा ही डाल दी थी ताकि अच्छे से पक जाए ये सभी चीज़ें। सारे मसाले ऐड कर दिए थे, सिर्फ हल्दी नहीं डाली, बिना हल्दी के ही मतलब कलर अच्छा आता है इस पे ना, मतलब फिर ना हल्दी डाल के ऐसा लगता है जैसे ना खिचड़ी बना दी हो, तो इसलिए मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली। और टमाटर भी बाद में डाले हैं तो इसको पकने के लिए रख दिया, थोड़ा सा डाल दिया वही चावल वाला पानी इसमें, तो बीच बीच में इसको चेक भी कर रही थी कि हो गए क्या, तो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 5 से 7 मिनट में सारी सब्जियाँ पक के ना हो गई थी तैयार। फिर मैंने इसमें छोड़ दिए हैं चावल, सारे बिल्कुल एकदम खिले खिले चावल बनते हैं अगर इस तरीके से बनाते हैं, और कुकर में थोड़ा सा वो मतलब हो जाते हैं चाहे जितना मर्जी कर लो, लेकिन बिरयानी के लिए अगर ये चावल बन पकाओ ना तो इस तरह से ही ठीक रहता है। तो यहाँ पे मेरी बिरयानी बन के हो गई है भाई तैयार, और बस पहले अब कान्हा जी के भोग के लिए निकाल लूँगी, लेकिन उससे पहले मैं बनाऊँगी थोड़ा सा यहाँ पर रायता, सिंपल सा ही रायता, मसाले वगैरह डाल के बस, कोई बूंदी नहीं डालूंगी ना ही फिर कोई जैसे खीरे का रायता होता है वो भी नहीं, सिर्फ सिंपल ही बना रही हूँ। तो इसमें मैंने काला नमक, सफ़ेद नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा मसाला डाल दिया है, और हल्का सा डाल दिया इसमें हींग, और जीरे को ना तवे पे भून लिया था देखिए, और इसको मतलब पहले तो मैं सोच रही थी ना चम्मच से इसको ना इस पर कर लूँ तवे पर, लेकिन हो नहीं रहा था, फिर मैंने इसको एक कटोरी में डाल के ठंडा किया पहले, ऐसे मैं बना के रख लेती हूँ जैसे ना इसको काफ़ी सारा भून के रख लेती हूँ, लेकिन कई दिनों से ना ख़त्म हो रखा है, तो मैंने अभी इसको किया है, तो ऐसे हथेली पर रख के ना पूरा अच्छे से इसको पीस के और इसमें डाल दिया है जीरा पाउडर को। तो मेरा यहाँ पे रायता भी बन गया है भाई, और बस खाना तैयार है, अब जाऊँगी बच्चों को इस मतलब वहाँ से लेने के लिए, उनकी छुट्टी का टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ पे पहले कान्हा जी के भोग के लिए निकाल रही हूँ, और भगवान जी को भोग लगा के चली जाऊँगी, और फिर जाऊँगी उनको लेने के लिए। तो ले लिए यहाँ पे मैंने बिरयानी, थोड़ा सा रायता ले लिया है, और बस इसको ढक के रख दूँगी जो बाकी बचा है, और चलिए देख के बाहर दिखाती हूँ कितनी तेज़ धूप है भाई, सच्ची इतनी गर्मी हो रही है ना, बारिश हो रही थी ना जिस टाइम, उस टाइम ऐसा लग रहा था हाँ अब बस ठंडा आ गई है, और फिर मतलब जिस दिन से बारिश रुकी है ना फिर वही हाल हो रहा है गर्मी का, मतलब धूप में ना चला नहीं जा रहा, इतनी तेज़ वाली गर्मी हो रही है, और बच्चों के मुंह ना लाल हुए आते हैं जिस टाइम स्कूल से आते हैं सच्ची। तो बस ये देखिए बादल है लेकिन बस ऐसे ही हैं गिने चुने,
तो जी यहाँ पे आ गए थे बच्चे भी स्कूल से, और सच्ची इतना मतलब थके होते हैं ना इस टाइम ये दोनों, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ये देखो मानो को बिल्कुल एकदम आते ऐसे ही लेट जाता है कि पंखे के नीचे, इतनी तेज़ गर्मी, और बस परेशान हो जाता है। तो बस यहाँ पे अब इनको दूंगी खाना, इनके पहले इसके कपड़े निकाल देती हूँ। और बिल्कुल मतलब अभी स्कूल में ना जैसे गेम भी चल रहे हैं इनके, तो थोड़ा सा और ज़्यादा थका थका सा रहता है मानू, है ही कुछ तो ये ऐसा ही। तो बस यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया है, और पता है बिरयानी देख के दोनों हो गए थे खुश। तो ये देखिए बिल्कुल यम्मी सी बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी, ज़्यादा मसाले नहीं डाले, देखो आपके सामने ही था सारा कुछ, लेकिन टेस्टी सच में बहुत ज़्यादा बनी थी। तो मैंने यहाँ पे इनको खिला दिया, खुद भी खा लिया, और बस ये दोपहर के सारे बर्तन जो खाने के थे और साथ में जो टिफ़िन थे बच्चों के, तो वो सब कुछ भी यहाँ पे साफ़ कर लिया है भाई। तो बस फटाफट से यहाँ पे बर्तन साफ़ कर लूँगी। तो भाई ये था मेरा छोटा सा व्लॉग आज आप लोगों के लिए, तो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। और मैंने यहाँ पे किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी कर दी है, सारे बर्तन साफ़ हो गए हैं। तो चलिए इसी के साथ ना आज का व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना कमेंट में, और बच गए हैं 3, तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।